हेलो नीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, नीट 2024 कैंप को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रही हैं, इसी तरह से एनटीए की तरफ से दो और बड़ी जो मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं अभी हाल ही के अंदर, जिसके अंदर अभी एनटीए की तरफ से हमें कोई सोल्यूशन तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो बच्चे इस चीज के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि एनटीए ने ये किया, एनटीए ने ऐसा किया, एनटीए पेपर वालों ने अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाया, तो उसके बदले में एनटीए ने दो जो है वो रिस्पॉन्स अपने ट्विटर हैंडल पर दिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आजकल एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है मिस आयुषी पटेल की, बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है, जिसमें वो ब्लेम कर रही है बच्ची की मेरी जो आंसर शीट है उसको फाड़ कर जो है वो भेजा गया है एनटीए की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने मेल मंगवाई है तो मेल के अंदर मेरी आंसर शीट को दिखाया जाए, तो जिसमें उन्होंने दिखाया था हमें प्रूफ विद प्रूफ, जो वीडियो में दिखा रही है वो, कि आंसर शीट उसमें जो है वो रही कि फटी हुई है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, जिसके उनके अकॉर्डिंग उनके जो मार्क्स है वो 715 जो मार्क्स बन रहे हैं। तो उसके बदले में रिप्लाई देते हुए एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक बहुत बड़ा जो रिप्लाई दिया है, और उसके बदले में क्या रिप्लाई दिया है उन्होंने मिस आयुषी पटेल को, उस चीज का मैं रिस्पॉन्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब एनटीए की तरफ से क्या स्पेसिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जो है वो आया है इस चीज को लेकर, तो जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, रिगार्डिंग द वायरल वीडियो फीचरिंग मिस आयुषी पटेल क्लेमिंग डिस्क्रिमिनेंस इन नीट यूजी 2024 स्कोरिंग एंड रिसीविंग ऑफ द टॉन ओएमआर आंसर शीट, जिसमें वो क्लेम कर रही है मिस आयुषी पटेल की उनको जो है एनटीए की तरफ से एक जो है टॉन यानी कि फटी हुई आंसर शीट जो रिसीव की हुई है। एनटीए क्लैरिफाइज दैट नो टॉन ओएमआर शीट वह सेंट बाय एन ऑफिशियल एनटीए आईडी। तो एनटीए इस चीज को क्लेम करिए कि वो जो टॉन फटी हुई आंसर शीट आप हमें दिखा रही हैं, जो वीडियो के ऊपर वो दिखा रही हैं, वो एनटीए की आईडी की तरफ से जो है वो नहीं भेजी गई है, एनटीए ऑफिशियल आईडी से नहीं भेजी गई है। कहने का मतलब क्या है, एनटीए इस चीज से जो है वो मना कर रहा है कि वो जो आंसर शीट आप दिखा रही हैं फटी हुई, वो हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी की तरफ से वो जो है आंसर शीट बिल्कुल भी नहीं भेजी गई है। इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, ओएमआर आंसर शीट इज इंटैक्ट एंड स्कोर आर एक्यूरेट एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड, और उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी आंसर शीट वो बिल्कुल एकदम सही है, बरकरार है, ओके है, और उनके जो मार्क्स है वो भी सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार, एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार बिल्कुल सही है। तो अब ये चीज बहुत ज्यादा मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वहां पे एक जो बच्ची है वो लाइव होकर अपनी एक वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करती है, जिस चीज के ऊपर वो साफ साफ ब्लेम कर रही है विद प्रूफ के साथ कि उनको जो है एनटीए की तरफ से मेल आईडी पहले आती है, उनके रिजल्ट को होल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद उनको जो प्रूफ के बदले में उनको जो फटी हुई आंसर शीट जो वो दिखाई जाती है। तो एनटीए अब इस चीज को मानने से इंकार कर रहा है कि वो जो उनको मेल रिसीव हुई है वो हमारी ऑफिशियल आईडी से नहीं आई है, हमें नहीं पता कि वो आईडी से कहां से टॉन जो आंसर शीट दी गई है वो दिखाई जा रही है, वो हमारी तरफ से नहीं है, हमारे पास आंसर शीट अपनी अलग से है जो बिल्कुल सरकारी रिकॉर्ड से, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार उनका रिजल्ट भी बिल्कुल सही है और उनकी आंसर शीट भी बिल्कुल सही है। तो एनटीए की तरफ से ये जो मेजर अपडेट जो आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के ऊपर, इसको ट्विटर के ऊपर जो पब्लिश किया गया है, इसके साथ साथ एनटीए की तरफ से एक और मेजर बच्चे को जो है वो रिप्लाई दिया गया, उसके बारे में भी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। और बच्चों यहां पे हमारे पास एक दूसरा मुद्दा आया है, एक लड़का था जिसका नाम था अमरदीप चौधरी, तो उन्होंने क्लेम किया था कि जो हमारे पास संस्कार स्कूल है जो कि आपका गाजियाबाद के अंदर पड़ता है, वहां पे एक सेंटर बनाया गया था, ठीक है, बुलंदशहर रोड के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर गाजियाबाद, वहां पे पेपर टाइमिंग जो आपको पता है कि 2 बजे से लेकर 5:20 तक थी, लेकिन वहां पे जो पेपर है वो 5:40 पे स्टार्ट हुआ और रात के 8:40 तक जो पेपर वहां तक करवाया गया था रूम नंबर 16-17 में, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। तो इसके बदले में एनटीए ने जो रिप्लाई दिया है उनको, और क्या रिप्लाई दिया है वो भी काफी शॉकिंग रिप्लाई है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने बोला कि द नीट 2024 एट संस्कार द को एजुकेशनल स्कूल B14 बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में जो सेंटर आपका बनाया गया था, यानी कि एग्जाम कंडक्ट किया था वहां पर 5 मई 2024 को, ऑल द प्रोसीजर वॉज स्टार्टेड इन द टाइम, सारे प्रोसीजर टाइम पे स्टार्ट हो गए थे, एज पर एक्टिविटी टाइम में एक्सपेक्ट इन फ्यू रूम्स, यानी कि फ्यू रूम्स के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो सेम बच्चे ने वही बोला कि वहां पे कुछ सेंटर्स के अंदर जो है आपकी पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था स्टार्ट 2 बजे, लेकिन हमें जो पेपर मिला था वो 5:40 पे शाम को पेपर मिला, तो रात के 8:40 तक वो पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद एनटीए ने बोला कि हाँ वहां पे कुछ फ्यू रूम्स के अंदर फ्यू कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ गई थी, और क्या प्रॉब्लम आई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्यू कैंडिडेट्स वर गिवन क्वेश्चन बुकलेट ऑफ डिफरेंट मीडियम, यानी कि जो मीडियम आपने चूज किया था उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया था, उनको डिफरेंट मीडियम का क्वेश्चन पेपर जो वो सामने आया था, जिसकी वजह से उनका मैटर सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इशू आया था उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन एट लास्ट जो एरर वाज करेक्टेड बाय गिवन द करेक्ट मीडियम क्वेश्चन पेपर, और उनका जो मीडियम था एट लास्ट उन्हें वही मीडियम का पेपर जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था टू द कैंडिडेट्स
दिस प्रोसेस रिजल्टेड इन लेट स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से वहां पे जो एग्जाम था वो लेट स्टार्ट किया गया था। बट ऑल सच अफेक्टेड कैंडिडेट्स वर गिवन टू एब्सोल्यूट, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं है कि बच्चों को अगर लेट एग्जाम स्टार्ट किया गया था तो उनको पूरे 3 hours 20 minutes यानी कि 3 hours 20 minutes पूरे के पूरे जो टाइम कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि वहां पे टाइम का लॉस हुआ है, किसी भी कैंडिडेट का लॉस हुआ है कोई भी एग्जाम को लेकर। तो इंक्लूडिंग मिस्टर अमरदीप चौधरी एंड एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन 3 hours 20 minutes। तो मिस्टर अमनदीप चौधरी और उसके साथ जितने भी कैंडिडेट्स वहां पे एग्जाम दे रहे थे, हर कैंडिडेट को 3 hours 20 minutes का प्रॉपर टाइम दिया गया था। यानी कि एनटीए की तरफ से इस चीज को साफ साफ डिनाई कर दिया गया है कि हमने जो है वो पेपर के अंदर कोई घबला किया है या फिर हमने पेपर्स को लेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने बोला बस हाँ जरा सा एरर आ गया था, वो भी बुकलेट्स को लेकर, कि उनके मीडियम के पेपर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, उसको अरेंज करने में अवेलेबल करवाने में थोड़ा सा टाइम लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें यहाँ चीज ये चीज मेंशन नहीं की गई है कि पेपर कितना लेट स्टार्ट हुआ था। वही चीज को क्लेम वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर था वो 5:40 पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जो प्रेस रिलीज इसमें जो ट्विटर के ऊपर इन्होंने किया अपना रिप्लाई दिया है प्रेस रिलीज के अंदर नोटिस के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने एंटी ने बिल्कुल भी जरा सा भी ये चीज नहीं बताया कि आपका एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हुआ था। अगर वो बच्चा क्लेम कर रहा है कि 5 बजे स्टार्ट हुआ था, एंटी ने इस चीज के ऊपर किसी ने नहीं बताया कि 5 बजे हुआ 6 बजे हुआ। सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि हाँ हमसे थोड़ा सा इशू हो गया था, हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी रिजोल्व करके बच्चों को उनकी सही वाली जो बुकलेट्स है वो पकड़ा दी गई थी। पकड़ाने के बाद उनको जितना टाइम उनका लेट हुआ था पेपर स्टार्ट होने उतना टाइम हमने उनको एक्स्ट्रा दे दिया था। यानी कि कहने का मतलब यही है उनका कि उनको प्रॉपर 3 hours 20 minutes यानी कि 3 hours 20 minutes 3 hours 20 minutes उनको पेपर को कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे, उनका जरा सा भी टाइम लॉस नहीं हुआ है। तो दो बड़ी जो मेजर अपडेट्स है वो मैंने आपके सामने रख दी है, दोनों की दोनों में अलग अलग चीजें जो अलग अलग कहानियां जो वो निकल कर सामने आ रही है। कोई कंक्लूजन निकाल रहा है एनटीए का भी, कोई कंक्लूजन निकाल रहा है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर मुद्दा होता है उसके ऊपर वो एनटीए बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अलग अलग स्टूडेंट्स को ऐसे रिप्लाई देने में लगा हुआ, नहीं भाई आप गलत हो आप गलत हो। एनटीए कभी भी किसी चीज को लेकर अभी तक एग्री नहीं हुआ कि हाँ भाई हम गलत हुए हैं। अगर वो थोड़ा सा एग्री हो भी रहा है लेकिन एट लास्ट में जाके जाते कंक्लूजन में वो ये बोल जाता है नहीं भाई हमने तो ये काम सही किया था, हाँ थोड़ी बहुत ही जरा सी मिस्टेक हो गई थी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बच्चों। देखो आपको भी पता है ये हमारे पूरे पूरे साल की मेहनत है, किसी बच्चे की 2 साल की मेहनत है, किसी बच्चे की 3 साल की मेहनत है, किसी बच्चे की 1 साल की मेहनत है। मेहनत तो मेहनत होती है, तो हमें इस फाइट के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। इस फाइट के लिए हमें जो है वो लड़ना ही पड़ेगा, तभी हमें इस चीज के ऊपर जो है वो जीत मिलेगी। और इसके रिलेटेड कोई भी और अपडेट निकल कर आती है एनटीए की तरफ से काउंसलिंग को लेकर, आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कॉलेज आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, एमबीबीएस का हो, बीएमएस का, सारे की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका भाई हर दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जाए वो पहुंचा सके। इसके अलावा आपका कोई डाउट भी बचता तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।